हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब एंड एक्सेल आइडियाज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। गाइस, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन आउट रिकॉर्ड मेंटेन सीरीज स्टार्ट की हुई है। सीरीज़ का पार्ट 15 है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वाउचर। लास्ट टाइम हमने पेटी कैश बनाना सीखा था, तो उससे पहले ये हम वाउचर तैयार करेंगे। ये वाउचर कैसे तैयार करते हैं, इसकी तरतीब देखते हैं। ये वाउचर कब तैयार किया जाता है, जब भी हम हमारा परचेज़र या हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उसका ये एक वाउचर तैयार होता है। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है पेड मोटरसाइकिल फ्यूल, ये उसका नंबर है। यहाँ इसके अलावा कोई भी परचेज़ वगैरह करते हैं तो ये हम एक वाउचर तैयार करेंगे, और इसके साथ जो भी उसका बिल होगा वो बिल अटैच करेंगे। और इस वाउचर की और उस बिल की एक एक कॉपी जो है डुप्लीकेट हम अपने पास रख लेंगे रिकॉर्ड में, और जो ओरिजिनल है वो हम हेड ऑफिस भेज देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कैश पेड फॉर मिस्टर कैश पेड टू मिस्टर अली फॉर रूम स्प्रे एयर फ्रेशनर फॉर द मंथ नवंबर 2021। यहाँ पे अकाउंट कोड लिख देंगे। कोड हम कोई भी लिख सकते हैं जो कि हम उसके अंदर देंगे। ये अकाउंट कोड अपनी तरफ से हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं ये रैंडमली लिख रहा हूँ अकाउंट कोड। ठीक है, और उसके बाद हमारी है लोकेशन। ये जितनी भी इसके अंदर हमारी पेमेंट होगी ये ऊपर जो हमारे पास आ जाएगा CV दिसंबर 000065। ये हमारा वाउचर नंबर है। पेटी कैश के अंदर हमने सीखा था, और लोकेशन के अंदर हमारी लोकेशन आ जाएगी रहीमियर खान, और डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के लिए मंगवाया है। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट का नेम लिख देंगे, तो इसकी जो है वाउचर के अंदर जो भी फाइनल पेमेंट होगी वो पेमेंट हम वो पेटी कैश या लेजर के अंदर वहाँ पे इसको ऐड करेंगे, लेस करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसका जो भी, क्योंकि ये हमने पे किए हैं एक्सपेंस है। तो यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर हम लिख देंगे अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या अदर, हाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ही आएगा इसका, क्योंकि ये इंडस्ट्री का है तो इसके अंदर यही आएगा, ये फैक्ट्री की एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद अकाउंट टाइटल है, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने परचेज़ की हैं वो लिखेंगे। ये हम उसके अंदर ऐड करेंगे पेटी कैश के अंदर क्रेडिट साइड में, और उसका क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो हमारा नए ईयर में ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, तो लास्ट में वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी डेबिट साइड है, और इसके साथ ही हमारी क्रेडिट साइड है राइट में। ये देखें 500 रूम स्प्रे और एयर फ्रेशनर 700। ये देखें, ये क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने दोनों सेल को प्लस करना था, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल फार्मूला लगा के इसके अंदर प्लस लगाऊंगा। यहाँ सम का फार्मूला लगा के ये दोनों जो है 500 और 700 दोनों को प्लस कर दूंगा, और इंटर प्लस करूंगा। तो ये देखें हमारे पास 1200 का हमारा बैलेंस आ गया क्रेडिट बैलेंस फाइनल। ये हम पेटी कैश में लिख देंगे कैश पेड फॉर लोकल परचेज या कैश पेड फॉर
रूम स्प्रे एंड एयर फ्रेशनर। वैसे इसका लोकल परचेज़ ही आएगा, मैंने तो लोकल परचेज़ लिखा है, और इंडस्ट्री के अंदर भी लोकल परचेज़ ही आएगा। तो इसके नीचे हम इंग्लिश के अंदर लिख देंगे कितनी अमाउंट है। तो ये देखें, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। वन थाउजेंड टू हंड्रेड, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 1200। और यहाँ पे जो भी हमारा परचेजर है वो हमसे ये कैश लेगा, तो यहाँ पे उसके साइन होंगे, वो साइन करेगा अपने और हमें बिल दे देगा, हम उसको कैश पे कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रीपेयर कर जो बना रहा है उसके साइन होंगे, यहाँ पे मैनेजर के और यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर के और लास्ट में डायरेक्टर या बोर्ड डायरेक्टर के साइन होंगे। और ये हम हेड ऑफिस में भेज देंगे वाचर के साथ। ये वाचर हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर से मिलेगा।